नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनमें से सिमेट्रिक कौन सी है। तो सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस जो हैं वो होनी चाहिए, कि फर्स्ट वो मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए। कौन सी मैट्रिक होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक। तो दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास उस मैट्रिक का ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज हम इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जब भी हम ट्रांसपोज लें उस मैट्रिक का तो दोबारा वही मैट्रिक आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो हमारे पास उस सिमेट्रिक मैट्रिक को फर्स्ट कंडीशन, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उसकी, ए टी इज इक्वल टू ए, कि हम जब भी किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा वही मैट्रिक आएगी, तो उसको हम कहेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्वेश्चन हमारे पास सिमेट्रिक में एक मैट्रिक दी हुई है, तो हमने इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसका पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमारे पास रोज को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करते हैं, 0 4 4 5, तो ये किसके इक्वल आई है? ए मैट्रिक के। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, के जब भी हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा अगर वही मैट्रिक, देखिए ए मैट्रिक यहाँ पे ए मैट्रिक दोबारा आ गई है, तो जब भी किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और दोबारा वही आ जाए तो उस मैट्रिक को हम कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। इसी तरह हम सेकंड इस सी मैट्रिक को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है नहीं, तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले, 3 - 4 - 5 - 6, तो हमारे पास नेक्स्ट जो मैट्रिक आई है वो क्या है? 3 5 - 4 - 6। देखें ये वाली जो मैट्रिक है इस मैट्रिक के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू सी, तो इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये जो गिवन मैट्रिक्स थी इसके इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब कि ये इस मैट्रिक नहीं है और ये इस मैट्रिक है। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक है जिस भी मैट्रिक का हम ट्रांसपोज लेंगे और दोबारा वही मैट्रिक आ जाएगी, तो उसको कहेंगे कि ये इस मैट्रिक मैट्रिक है।